जय हिंद। वेलकम है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सो जनरल साइंस की इम्पोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए, जिसमें हम बात करेंगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माउथ के बारे में, मुंह के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये जो आपके जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, ये सभी टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा लंबी हमारी क्लास ये नहीं रहेगी, शॉर्ट क्लासेस आपकी रहेंगी और हर किसी टॉपिक के लिए अलग अलग आपको क्लासेस जो हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। और ये जो आपका माउथ का टॉपिक है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो डिटेल वाइज डिस्क्रिप्शंस के साथ हम इसको जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पास जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट सेशन आप सभी के लिए रहेगा। विजयपथ एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, वहां पर भी आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ये सभी टॉपिक आप सभी के लिए एसएससी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हिमाचल एग्जाम या अदर ऑल इंडिया एग्जाम, वनडे एग्जाम जो भी है, उन सभी के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, बिल्कुल डिटेल वाइज आपकी क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। जो आपका पाचन तंत्र है बाइलिंगुअल, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, आपको जो है वो नोट जो है वो साथ साथ में करते जाना है, वहाँ से आपके ज़्यादा अच्छे से डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो पाचन तंत्र को जो है वो क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ये आप सभी को पता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम जहां से हमारा खाना जो है, खाने से लेके पचने तक एक प्रक्रिया जो पूरी होती है उसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं। इंग्लिश में डायरेक्ट हमें पता चल रहा है डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिन आपने सुना होगा, जब हम खाने को खाते हैं तो कई बार बोलते हैं कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, या फिर कच्चा खाना खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, मतलब वो पचेगा नहीं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, वो है हमारे पास आहार नाल। तो आहार नाल जो है उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, वो आता है माउथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुंह बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे माउथ से रिलेटेड, चाहे वो दांतों से रिलेटेड हो, मुंह से रिलेटेड हो, वो आप सभी के लिए जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। जो जो क्वेश्चन है वो आपको नोट डाउन करने हैं, आपके नोट्स बनने चाहिए। लगभग एक पेज में आपका जो है वो माउथ का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। जो उसमें से 15 या 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पाचन तंत्र जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, इंग्लिश में हम उसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और ये जो पाचन तंत्र है, जो हमारी पाचन की क्रिया है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से स्टार्ट होती है, वो हमारी स्टार्ट होती है हमारे मुँह से। अब आप सभी को पता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, हमारे दांत जो हैं वो उस चीज़ को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, मतलब कि उस चीज़ को काटते हैं, चीरते हैं, पीसते हैं, कुतरते हैं, ये आप सभी को पता है। तो हमारे जो खाने का पहला जो पार्ट है, जो मतलब कि पहले जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो स्टार्ट होता है हमारे मुंह से, माउथ से। ये आपको यहाँ पे जो है वो पता होना चाहिए। हम जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ पे माउथ की, बाइलिंगुअल में मैं यहाँ अब आपको बताऊँगा। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करूँ, जो माउथ है उसमें जो है, जो हमारा मुँह है उसमें टोटल 3 जोड़े जो हैं वो क्या पाए जाते हैं, 3 जोड़े जो हैं वो पाए जाते हैं लार ग्रंथियां, ये आपको ध्यान में रखना है।
तीन जोड़े क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां जो हैं वो पाई जाती हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास ये दिया गया है लार, इस लार का मतलब क्या है, जो हमारे मुंह में जो लार है मतलब कि जो थूक है वो, उसका मेन काम क्या है, हमारे मुंह में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो आप सभी को यहाँ पे पता चल जाएगा कितने जोड़े, तीन जोड़े। अब इनका मेन काम क्या है, इस लार का जो मुख्य काम है वो भोजन को क्या काम करना है, भोजन को नरम करने का काम करती है। ये जो लार है ये भोजन को चिकनाहट जो है वो प्रदान करती है, भोजन को नरम करने का काम जो है ये करती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम कि सेकेंड नंबर पे कि लार में जो है, लार में क्या चीज़ होती है, लार में हमारे जो है वो एंजाइम पाए जाते हैं। तो उसमें से दो हमारे जो है वो मुख्य एंजाइम हैं, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे, टाइलिन, टाइलिन जो है, टाइलिन और एक है हमारे पास टाइलिन एंजाइम और दूसरा है एमाइलेज। इंग्लिश में भी इन्हें यही कहा जाता है। तो टाइलिन और एमाइलेज जो एंजाइम है हमारे पास, एंजाइम की बात कर रहे हैं, इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है ये भोजन को क्या करते हैं, ये भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो भोजन का कार्बोहाइड्रेट्स है इनको क्या करते हैं, उस चीज़ को ये पचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो जो हमारे लार में उपस्थित एंजाइम होते हैं टाइलिन और एमाइलेज, ये दोनों जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के भाग को जो है वो पाचन करने में या पचाने का काम करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर जो है वो बिल्कुल हो जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लार में एक और हमारा एंजाइम जो है वो उपस्थित होता है, लार में जो है वो एक और एंजाइम हमारा उपस्थित होता है और उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, हम उसको बोलते हैं लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है इसका मेन काम क्या है, ये करता है बैक्टीरिया को किल, किल द बैक्टीरिया, ये आपको ध्यान में रखना है, बैक्टीरिया को क्या करता है, ख़त्म करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो दोबारा से लिख देता हूँ, तो ये बैक्टीरिया को क्या करता है, ख़त्म करता है। जो भी हमारे भोजन में या लार में उपस्थित जो भी हमारे जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, हानिकारक जीवाणु हैं, उनको जो है ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है जो कि लार में उपस्थित रहता है, ये हमारे बैक्टीरिया को ख़त्म करने का कार्य करता है। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या जाना, अब आपको मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बताता हूँ कि आपको इस वीडियो को लर्न कैसे करना है, इस क्लास को, इस पूरे सेशन को आपको माइंड में कैसे रखना है, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, उसका भी एक प्रोसेस रहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को हल्का सा देखते हैं, स्किप करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको इस क्लास को कैसे लर्न करना है। देखिए, अब आपको पता है कि जो चीज़ हमें याद नहीं होती है, ये मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो चीज़ हमें याद नहीं होती है उसके लिए हम क्या ढूंढते हैं, ट्रिक ढूंढते हैं। लेकिन ट्रिक आपको किसी टाइम तक याद रहती है या पूरे लाइफ साइकिल तक आपको क्या है वो ट्रिक याद रह सकती है, लेकिन अब उस ट्रिक को भी क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक जो है वो नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट सी चीज़ आपको लर्न नहीं हो रही है और वो 100 में से सिर्फ 2 या 3 बार ही अप्लाई हम उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरे के पूरे आप जनरल साइंस को ही अगर ट्रिक के वे में लर्न करेंगे, तब फिर वो आपके लिए क्या है, मुश्किल सी बात है। कुछ बच्चे जो हैं, कुछ स्टूडेंट वो हमारे कर लेते हैं ट्रिक से भी, लेकिन आपको इस क्लास को किस वे में लर्न करना है, सबसे पहला स्टेप है, पहले आपको वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है, ना तो आपने
उस चीज़ को डायरेक्ट माइंड में लेके जाना है, ना तो आपने उसके नोट्स बनाने हैं। ये हो गया उसका पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है, जब भी आप इस क्लास को देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, जब आप इसको एक बार रेपिटिशन में देखेंगे, तब ऑटोमेटिकली जो चीज़ मैं यहाँ पे क्लास में आपको बताने जा रहा हूँगा, वही चीज़ आपको डायरेक्ट जो है वो आपके माइंड में अटैक हो जाएगी और डायरेक्ट आप उसका आंसर वहाँ पे दे पाएंगे। और तीसरा प्रोसेस है कि आप इसके क्या बनाएं, साथ साथ में नोट्स बनाएं। जिस प्रकार मैंने ये लिखा है, ऊपर आप टाइटल दें, माउथ, फिर पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री में जो है वो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप यहाँ पे डिस्कस करते चलें। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ पे हमने बात की थी, जो हमारा पाचन तंत्र है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत बोलते हैं, वहाँ तक ये हमारा सारा प्रोसेस चलता है। जब भी ये मुंह से स्टार्ट होता है तो मुंह के बाद आपको पता है कौन सी चीज़ आती है, मुंह के बाद आता है दांत, मतलब मुंह में ही दांत आते हैं। उसके बाद हमारा अमाशय आता है, उसके बाद ये भोजन जो है वो हमारे पेट में चला जाता है, फिर छोटी आंत आती है। तो इस सारे प्रोसेस को ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, उसको साथ साथ में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हमने माउथ में सबसे पहले ये जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे माउथ में जो है वो तीन जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और इस लार का मुख्य काम क्या है, भोजन को चिकनाहट करना, मतलब कि उस भोजन को नरम करना, मुलायम करना, ताकि हम भोजन को ईजिली क्या कर सकें, आहार नाल के थ्रू हमारे पेट तक उसको हम पहुंचा सकें। दूसरे नंबर पे हमने बात की जो हमारी लार है, जो हमारे मुंह में जो लार एकत्रित होती है, जो हमारा थूक है, एक लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, तो उसमें टाइलिन और एमाइलेज दो ऐसे मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, पचाने का कार्य करते हैं। तीसरे नंबर पे हमने ये जाना कि जो लार में लाइजोजाइम एंजाइम होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है, तो वो बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है। तो आई थिंक आप सभी को यहाँ तक जो है वो क्लियर है। उसके बाद हमारे मुंह की बात करते हैं, तो मुंह में दूसरे नंबर पे जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, वो है हमारे पास दांत, और दांतों को क्या कहा जाता है, टीथ जो है वो कहा जाता है। अब इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि दांतों से हमारे क्या क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं कि टोटल दांत कितने हैं या फिर दांत किससे जो है वो बनाए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो हमारा डे बाय डे कंपटीशन है वो हमारा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से एग्जामिनर जो है वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट इन द सेंस टॉपिक आपके सेम है, टॉपिक वही आपके रहेंगे, सिलेबस वही है, लेकिन और ज़्यादा डीप में जाके वो क्वेश्चन को वहाँ से जो है वो पुट करने का यहाँ पे वो ट्राई करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे दांत हैं उसके टाइप कितने हैं। तो दांतों के टाइप कितने रहते हैं, चार प्रकार के दांत जो हैं वो टोटल हमारे रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितने प्रकार के दांत होते हैं, चार प्रकार के दांत जो हैं वो होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा दांत है वो रहता है इनसीजर। यहाँ पे मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, इनसीजर को हम बोलते हैं वैसे कृतनक, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कृतनक जो है वो हिंदी में कहा जाता है, इनसीजर जो है वो इंग्लिश में। दूसरे नंबर पे जो दांत हमारे रहते हैं वो रहते हैं केनाइन, आपने सुना होगा। तो टोटल चार प्रकार के जो हमारे दांत हैं उसमें से दूसरे नंबर पे आता है केनाइन, जिसको रदनक जो है वो कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं प्री मोलर और चौथे नंबर पे हैं मोलर। तो प्री मोलर जो है ये तीसरे नंबर के हैं और इनको बोला जाता है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक जो है वो इनको हिंदी में कहा जाता है। और चौथे नंबर पे जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं चवर्णक आप बोल सकते हैं, या फिर मोलर जो है वो हम उन्हें बोलते हैं। तीसरे नंबर पे हैं प्री मोलर और चौथे नंबर पे आएंगे हमारे पास मोलर, जिनको हम बोलते हैं चवर्णक। यहाँ पे गलती हुई,
चवर्णक जो है वो हम इन्हें बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली चार प्रकार के दांत रहते हैं। पहले नंबर पे आता है इंसीजर। अब इंसीजर जो है वो यहाँ से देखने से ही या सुनने से ही पता चल रहा है, इंसीजर, सीजर का मतलब है कैंची, और कैंची क्या काम करती है, काटने का काम करती है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंसीजर जो दांत हैं उनका मुख्य काम क्या है, तो वो काटने का काम जो है वो करते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं वो है हमारे पास केनाइन। केनाइन को रदनक बोला जाता है, और केनाइन यहाँ से जो आपके पास पहला वर्ड है कैन, तो कैन, कैन का मतलब आप ये सोच लीजिए, दांतों की बात कर रही है तो आपको कैन को क्या करना है, चबाना है, कैन को काटना है। तो आप ये सोच के चलें जो कैन होता है वो एक डिब्बा होता है, आपने देखा होगा कैन बाल्टी, कैन कैन जो है वो बाल्टी भी हम बोल देते हैं, या फिर किसी चीज़ प्लास्टिक का कैन है, तो हमारे दांत उस चीज़ को इजीली चबा नहीं सकते। इसका मतलब है वो जो कैन है वो काफ़ी हार्ड वाली चीज़ है। तो हार्ड वाली चीज़, आदमी अपने पूरे जीवन में हार्ड वाली चीज़ क्या खाता है, तो वो है हार्ड वाली चीज़ उसके जीवन में मांस, खाने के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ। तो मांस को बेसिकली क्या करना पड़ता है, चीर फाड़ करना पड़ता है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो चीर फाड़ करने वाले दांत कौन से होते हैं, केनाइन जो हैं वो चीर फाड़ करने वाले दांत हैं, और बेसिकली किस चीज़ के लिए आते हैं, मांस को काटने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब इस चीर फाड़ से ही एक जो है वो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। चीर फाड़ से आपको ध्यान में रखना है, चीर से चार और फाड़ से फैब, तो 4 फरवरी को जो है वो कौन सा डे मनाया जाता है, वो मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस जो है वो भी किस दिन मनाया जाता है, वो भी आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। ये आपको ध्यान में रखना है। याद कैसे रखेंगे, कैंसर जिसको बीमारी होती है उसके पूरे शरीर को जो डॉक्टर है वो क्या करता है, चीर फाड़ करता है, तो चीर से चार और फाड़ से फैब। तो विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं प्री मोलर की और मोलर की। ये जो दोनों दांत हमारे रहते हैं प्री मोलर और मोलर के, ये बेसिकली भोजन को पीसने का काम करते हैं, भोजन को पीसने, या फिर आप बोल सकते हैं चबाने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, मोलर और प्री मोलर दांतों के द्वारा जो है वो ये कार्य किया जाता है। अगला जो है वो हम बात करेंगे यहाँ पे दांत के फॉर्मूले की, दांत सूत्र हम जिसको यहाँ पे बोलते हैं, या फिर डेंटल फॉर्मूला हम यहाँ पे बोल सकते हैं, डेंटल फॉर्मूला जो है वो हम इसको बोलते हैं। तो इसका जो बेसिक सा फॉर्मूला है, वैसे आप सभी को पता है कि टोटल जो दांत रहते हैं, टोटल जो हैं वो हमारे पास कितने दांत होते हैं, 32। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको ये इस वे में पूछा जाए कि बच्चों में कितने दांत होते हैं, तब भी ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो क्या बता देते हैं, वो ईजी वे में उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बता देते हैं कि बच्चों में जो है वो कितने दांत हैं, टोटल 20 दांत जो हैं वो बच्चों में रहते हैं। लेकिन जब बात आती है 13 से 19 साल के बच्चों के लिए, किशोर अवस्था वाले जो बच्चे रहते हैं हमारे पास, टीनेजर की जब बात की जाती है, तो उस केस में टोटल दांत कितने रहते हैं, 28। तो ज़्यादातर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले बच्चों के लिए बात करें, टोटल जो दांत रहते हैं वो कितने रहते हैं, 20 दांत रहते हैं। एज की बात करें, 0 से लेके लगभग 10 से 12 साल तक के बच्चों का जो हम बात कर रहे हैं उनके 20 दांत रहते हैं, और उनका डेंटल फॉर्मूला जो है वो हमारा रहता है 2102, ये उनका जो है वो डेंटल फॉर्मूला रहता है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करके भी आपके लिए बताऊँगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मैं बात करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन लगा देता, दूसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जो कि किशोर है, किशोर अवस्था वाले कौन है, जिनकी एज कितनी है, जिनकी एज रहती है 12 से लेके लगभग 18 साल के तक, 12 से लेके 18 साल तक जिनकी आयु रहती है, उनके दांत कितने रहते हैं,
28 दांत जो हैं वो उनके वहाँ पर रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 28 दांतों की बात यहाँ पे की जा रही है और उनका डेंटल फॉर्मूला रहता है 21-22, ये इजी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो बेसक आता है, बेसक का मतलब है जो हमारी एज के हैं, जैसे कि जो 19 से लेके किस एज तक होगा अप टू ओल्ड एज, ठीक है। वैसे ओल्ड एज तक दांत जो हैं वो धीरे धीरे गिरना भी स्टार्ट हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एज के बाद, लेकिन आप यहाँ पे 19 से लेके 30-35 साल तक आप जो हैं वो रख सकते हैं बेसक को अपनी मर्जी से। उसके जो दांत रहते हैं वो कितने रहते हैं, 32 दांत जो हैं वो उस पर्सन के रहते हैं, और उसका जो डेंटल फॉर्मूला रहता है वो रहता है 21-23। अब ये एक्चुअल में डेंटल फॉर्मूला है क्या, इस चीज़ को हम यहाँ पे अब जानेंगे कि ये डेंटल फॉर्मूले को किस वे में लर्न किया जाता है, किस वे में लिखा जाता है, या फिर एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा, बच्चों के बारे में, किशोर के बारे में, और फिर वयस्क के बारे में। तो बच्चों में टोटल 20 दांत पाए जाते हैं, जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं उनमें 28 दांत पाए जाते हैं, और जो वयस्क होते हैं एडल्ट वाले उनमें जो है वो लगभग 32 दांत जो है वो पाए जाते हैं। टोटल 32 ही दांत होते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम। अब इनका डेंटल फॉर्मूला जो है 21-02, 21 सभी में सेम चला है, उसके लास्ट के दो डिजिट जो हैं वो हर बार चेंज हो रहे हैं, 02 फिर 22 और 23, ये इनका डेंटल फॉर्मूला है। एक्चुअल में मैंने जो अभी आपको यहाँ पे बताया, चार प्रकार के दांत हमारे पास रहते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास आता है इनसीजर, उसके बाद आता है केनाइन, उसके बाद आता है हमारे पास प्री मोलर, और लास्ट में हमारे पास आता है मोलर दांत। तो ये चार प्रकार के दांत हैं। अब इनको लिखने का स्टाइल रहता है, इनसीजर जो है वो लिखे जाते हैं 2/2, केनाइन जो है वो लिखा जाता है 1/1, प्री मोलर लिखा जाता है 0/0, और मोलर को लिखा जाता है 2/2। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रटने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो समझाने की कोशिश जो है वो यहाँ मैं कर रहा हूँ। और इंटू टू आपका ये बेसिक, इतना आपका ये फॉर्मूला रहता है। अब मैंने इसको जो लिखा है एक्चुअल में है क्या, ये जो मैंने ऊपर टू लिखा है, ये वाला टू, इसका मतलब है जो हमारा मुंह है उसमें दांतों, जो दांतों की संख्या है वो किस वे में होती है, 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं। तो ये जो ऊपर मैंने जो सारी चीज़ें लिखी हैं, जो मैंने टू ऊपर लिखा है, इसका मतलब है ऊपर के दांत। तो इनसीजर जो है वो बच्चों में कितने होते हैं, वो ऊपर की तरफ 2 होते हैं, नीचे की तरफ भी कितने होते हैं, 2। लेकिन जब इसको फॉर्मूले से किया जाता है तो इंटू 2 करते हैं लास्ट में, और सीजर जो है वो 1-1 रहता है। बच्चों में प्री मोलर कोई भी दांत नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार बनता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है कि बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, और कौन से दांत उसमें एब्सेंट होते हैं, कौन से दांत उसमें नहीं पाए जाते, तो किस प्रकार के दांत हैं, प्री मोलर टीथ जो हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, और मोलर जो हैं वो भी ऊपर की तरफ 2, नीचे की तरफ 2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल आंसर जो है वो 20 यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर मैं किशोर की बात करूँ, ये आ गया इनसीजर, ये आ गया आपके पास केनाइन, ये आ गया प्री मोलर, और ये आ गया मोलर। तो इनसीजर जो है वो तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है 2/1/2/2, तो इसी वे में आपको लिखना है 2/1/2/2। सेम चीज़ आपको नीचे भी लिखनी है 2/1/2/2। ये चीज़ आपकी यहाँ पे जो है वो बन गई। तो किशोर अवस्था में जो है मोलर जो है वो आपके कितने रहते हैं, 2-2 रहते हैं, इंटू 2 करना पड़ता है। यहाँ पे इनसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, यहाँ पे फॉर्मूला है 2/1/2/3, तो इसी वे में आप लिखेंगे 2, फिर आ गया 1, फिर आ गया 2, और लास्ट में आ गया 3। इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये भी आपका किसका फॉर्मूला बन जाता है, डेंटल फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे बन जाता है। बेसिकली इसी प्रकार का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आपका फॉर्मूला है वो क्या रहता है किशोर के लिए, तो 21-22 ये आपका फॉर्मूला है, बच्चों के लिए 21-02 ये फॉर्मूला है, और एडल्ट के लिए 21-23 ये आपका दांतों का फॉर्मूला जो है वो
रहता है। उसके बाद बात करते हैं दांतों से रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की। बच्चों में जो है वो टोटल कितने दांत पाए जाते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। टोटल जो है वो 20 दांत जो है वो बच्चों में पाए जाते हैं, और उन्हीं बच्चों के दांतों को क्या कहा जाता है, मिल्क टीथ के नाम से जो है वो हम जानते हैं। दूध के दांत हम उनको बोल सकते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, या फिर प्राथमिक दांत, प्राथमिक या फिर प्राइमरी दांत जो है वो भी हम किसको बोलते हैं, बच्चों के ही दांतों को प्राइमरी दांत या फिर मिल्क टीथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वयस्क की, जो एडल्ट रहते हैं, एडल्ट के जो हैं वो टोटल कितने दांत रहते हैं, 32 दांत रहते हैं, और उन दांतों को जो है वो क्या कहा जाता है, सेकेंडरी दांत जो है वो कहा जाता है। सेकेंडरी टीथ आप बोल सकते हैं, या फिर द्वितीय या फिर परमानेंट दांत जो है वो आप उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आपकी छूटी है, जो बच्चों के 20 दांत हैं उसको मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, दूध के दांत प्राइमरी दांत या फिर प्राथमिक दांत या फिर टेम्परेरी दांत के नाम से भी हम उसको जानते हैं, टेम्परेरी टीथ के नाम से भी हम उसको जानते हैं। और जो बड़ों में 32 दांत पाए जाते हैं उनको सेकेंडरी टीथ या फिर आप उनको बोल सकते हैं द्वितीय दांत या फिर परमानेंट दांत, मतलब कि स्थायी दांत के नाम से हम उसको जान सकते हैं। तो परमानेंट टीथ के नाम से भी हम इनको जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक एडल्ट में, एक वयस्क आदमी में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के दांत जो है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कितने ऐसे दांत हैं जो दोबारा आते हैं, कितने ऐसे दांत हैं जो दोबारा आते हैं, तो टोटल 20 दांत ऐसे हैं जो हमारी पूरी लाइफ साइकिल में दोबारा आते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे बचपन में कोई एक दांत टूट जाता था, निकल जाता था, तो उसकी जगह पे जो है वो एक नया दांत जो है वो निकल आता था। तो हमारी पूरी लाइफ में टोटल और टोटल कितने दांत दूसरी बार आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 दांत जो है वो दूसरी बार आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं दांतों के मटेरियल की, दांतों के मटेरियल की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दांतों का जो मटेरियल रहता है वो आप सभी ने सुना होगा, किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है। दांतों का मटेरियल जो है वो किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है। अब ये इनेमल है क्या, ये हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट हमारे शरीर का कौन रहता है, जो हड्डियों से भी मजबूत है, वो हमारा रहता है इनेमल। हिंदी में भी इसको इनेमल ही कहा जाता है। इनेमल जो है वो हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा जो है वो माना जाता है, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमारे दांतों का रंग है वो कैसा होता है, तो दांतों का रंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो दांतों का रंग कैसा होता है, वाइट कलर होता है दांतों का। अब ये वाइट कलर किसकी वजह से है, तो वाइट कलर है हमारे दो एलिमेंट की वजह से। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास कैल्शियम, पहला एलिमेंट है कैल्शियम, और दूसरा है फास्फोरस, और दूसरा है फास्फोरस। तो आपको ये दो एलिमेंट आपको ध्यान में रखने हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के कम्बिनेशन से ही क्या बनता है, इनेमल बनता है, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का रहता है। और इसी की वजह से दांत हमारे किस कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के दांत जो हैं वो होते हैं। अच्छा, अब उसकी बात करें, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो हाथी का दांत होता है, आपने देखा होगा कि जो हाथी का दांत है, हाथी का दांत है उसको जो है वो टस्क बोला जाता है। तो जो हाथी का दांत है वो कौन सा दांत है, तो वो जो है वो आपका इनसीजर है। वो आपका कौन सा है, इनसीजर है। मैंने अभी आपको बताया इनसीजर दांत कौन सा होता है, जो काटने के लिए कृतनक दांत हम उसको बोलते हैं, तो इनसीजर दांत वो यहाँ पे रहता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
शाकाहारी जो मांस नहीं खाते हैं, शाकाहारी जो है उसमें मनुष्य भी आता है, जो मांस जो है वो नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, मनुष्य को छोड़ के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य में जो है वो सारी फैसिलिटी जो है वो गॉड के द्वारा जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है, नेचर के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। लेकिन अगर मैं कुछ जानवर की बात करता हूँ, शाकाहारी जानवर जैसे कि हिरण है, खरगोश है, हाथी है, ये जो हमारे कुछ ऐसे शाकाहारी जानवर हैं, इसमें कौन सा दांत एब्सेंट होता है, तो कौन सा दांत यहाँ पे एब्सेंट होता है, मैं उस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो कौन सा दांत एब्सेंट होता है ये तो आप भी अभी बता सकते हैं, तो वो होता है केनाइन। कौन सा दांत एब्सेंट होता है? केनाइन। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं पिछले यहाँ पे जाऊँ, जो केनाइन है वो उसका मेन काम क्या है, चीर फार करता है, और बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मांस को काटने के लिए, मांस को चीरने के लिए, ठीक है। तो अगर शाकाहारी उस मांस को ही नहीं खाएगा तो उसमें वो केनाइन दांत जो है वो एब्सेंट होगा, वो अनुपस्थित वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दांत के बारे में भी कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे पढ़ी। उसके बाद यहाँ पे हमने ये बात की थी कि बच्चों में जो है वो कौन सा दांत एब्सेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले नंबर पे जो है वो हमने बात की थी इंसीजर की। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बच्चों में कौन सा दांत एब्सेंट होता है, इंसीजर की बात की, फिर केनाइन की, फिर प्री मोलर की, फिर मोलर की। और यहाँ पे फॉर्मूला था बच्चों के लिए 2102। तो इसका मतलब कौन से दांत बच्चों में एब्सेंट हैं, तो वो हैं आपके पास प्री मोलर दांत। प्री मोलर दांत जो है वो बच्चों में एब्सेंट होते हैं, ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन की बात कर रहे हैं, एडल्ट की, उसमें चार प्रकार के दांत जो है वो पाए जाते हैं। और जो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, जो उसका फॉर्मूला था तो वो था हमारे पास 2, 1, 2, 3। तो यहाँ पे इंसीजर था, केनाइन था, प्री मोलर था और मोलर था। तो यहाँ पे था हमारे पास 2/2, यहाँ पे 1/1, यहाँ पे 2/2 और 3/3, और इन सभी को ×2 किया जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो मोलर दांत रहते हैं वो कितने दांत हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोलर दांत कितने हैं आपके, ये रहते हैं आपके 3 और 3, 6, 6 का डबल है कितना, 12। तो बच्चों में मोलर दांत कितने रहते हैं, 12 जो है वो आपके मोलर दांत रहते हैं। इस वे में भी आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 12 दांत ही है आगे, 2 और 2 कितने, 4, और 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 जो है वो प्री मोलर आ गए। ये आपके टोटल बने 1 और 1, 2, 2 को 2 से गुणा किया आ गया 4, के 9 टोटल 4 दांत बने, 2 और 2, 4, 4 को 2 से गुणा किया तो आ गया 8। अब आप इन सभी को ऐड कर सकते हैं, कितना आपका आंसर आएगा, 8 और 4 12, 12 और 12 कितने 24, 24 और 8 कितने हो गए, तो आपके हो गए टोटल के टोटल कितने दांत, 32 दांत। तो इस वे में आपका जो है इसमें फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो एडल्ट के बारे में हमने यहाँ पे बोला, जो एडल्ट है उसमें टोटल 32 दांत पाए जाते हैं, और उसमें मोलर दांत कितने हैं, आप यहाँ पे देखें मोलर जो हैं वो कितने हैं, 12 हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, मैं इसी से एक क्वेश्चन बनाऊंगा, मोलर जो हैं वो 12 हैं। लेकिन अगर किशोर अवस्था की बात की जाए, यहाँ पे किशोर अवस्था की बात की जाए, तो इंसीजर आ गया, केनाइन आ गया, प्री मोलर आ गया और मोलर आ गया। तो यहाँ पे टोटल दांत रहते हैं इनके 28। ये रहता है फॉर्मूला जो है इनका, वो रहता है 2, 1, 2, 2। तो ये है आपके पास 2, फिर 1, फिर 2 और 2, सभी को अपॉन करेंगे। यहाँ पे मोलर की अगर मैं बात करूँ तो मोलर टोटल कितने दांत हैं, 2 और 2, 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, तो 8 दांत हैं मोलर के। और जो हमारे पास एडल्ट था,
एडल्ट में कितने दांत थे, मोलर के 12। तो आप देख सकते हैं कितने दांतों का फर्क पड़ा, सिर्फ और सिर्फ 4 दांतों का फर्क पड़ा। और यही 4 दांत जो हैं इनको क्या कहा जाता है, किशोरावस्था में कहा जाता है विस्डम। और विस्डम को अगर हिंदी में अगर मैं बात करूं, आप सभी इसको समझ जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो आई थिंक आप समझ गए हैं, विसिडम को कहा जाता है। ये जो 4 दांत आपके एब्सेंट हैं किशोर अवस्था में, इसको कहा जाता है अक्कल दाढ़। आपने सुना होगा विसडम जो है वो हम इसको यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने आज पूरे के पूरे सेशन में सिर्फ और सिर्फ दांत के बारे में ही हमने यहाँ पे जाना है, दांत के बारे में बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं माउथ के बारे में जाना है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला वाला पार्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जल्दी ही क्लास जो है वो आप सभी को मिलेगी, तो मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।